वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल जो आपको टास्क मिला था उसके बारे में कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको टास्क मिला हुआ था कि आपको एक बनाना है इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ बैटरी बल्ब एंड स्विच, ठीक है। तो हालांकि बहुत सारे लोगों ने तो सर्किट बनाया नहीं और ना ही भेजा, मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग भेजेंगे, लेकिन मैंने 10 बजे रात तक इंतज़ार किया, किसी का कुछ नहीं आया, तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप किया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद की किरण जागी कि लगता है कि ये सर्किट ही है, और वाकई में वो सर्किट ही था, ठीक है। और एक और चीज़ आप देखेंगे पिछले वीडियो में तो आपको मिलेगा एक वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है, कि वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वो लास्ट में होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये जानबूझकर एक त्रुटि की गई थी, एक गलती की गई थी, ताकि इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि आप कितने कॉन्शियस हैं। कॉन्शियस इन द सेंस कि आप वीडियो पूरे देखते हैं या नहीं, कोई टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं या नहीं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस में करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ना कि सीरीज में। इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। और प्रॉपरली एक कोई ना कोई टेक्स्ट बुक जरूर आप फॉलो करें, कहीं भी पढ़ें तो एक टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। तो उस शख्स ने ना सिर्फ सर्किट बनाकर भेजा, बल्कि इस त्रुटि को भी फाइंड किया। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उस वीडियो की तो आप देख लेंगे कि वहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ था कि इस वीडियो में जानबूझकर एक त्रुटि की गई है, गलती की गई है, उस गलती को ढूंढे। लेकिन आप तो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना जरूरी नहीं समझते, ठीक है। तो खैर, और वो जिन्होंने भेजा वो कौन है, शुभम कुमार। उन्होंने सर्किट भी भेजा और प्लस इस गलती को भी ढूंढकर बताया, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओम्स लॉ अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। तो ओम्स ने क्या बताया था, पहले लॉ की बात करें तो ये होता क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दी पीडी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, आई से, ठीक है। अब समझिए इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज हम लोगों ने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, उस पर से 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होगा तभी होगा। सपोज इधर कर लेते हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इधर हो गया 3 वोल्ट, ठीक है। अब सपोज इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन होगा इधर, ठीक है। हम लोगों को पता क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज करंट को पुश करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की ओर मूव होगा, ठीक है। सपोज यहां पर आई करंट है, एक दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को
इंक्रीज कर लेते हैं। अब सपोज ये हो गया 10 वोल्ट, इधर इस वाले को एज इट इज इतना ही रहने दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, करंट भी, अमाउंट ऑफ करंट ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव क्यों बढ़ेगा, करंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा दैट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स दैट मीन्स मोर विल बी करंट, ज़्यादा करंट भी होगा, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा करंट भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये मतलब हुआ किसका, ओम्स लॉ का, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, देयर विल बी चेंज इन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस डबल, करंट विल बी ऑल्सो डबल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट मीन्स वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ये आर क्या है, वेयर आर इज अ कांस्टेंट, कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आर क्या होता है, एक कांस्टेंट है, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दिस इंप्लाइज दैट, हाँ एक और चीज ध्यान देंगे कि ये जो ओम्स लॉ है, ठीक है, ये क्या होता है, सेम फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐड कर लेते हैं, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑन सेम फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, सारा कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पर टेम्परेचर कुछ और है और दोनों जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फिजिकल कंडीशन शुड बी सेम, ठीक है। अब यहां पर आर देखते हैं, आर इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट एंड करंट का एम्पियर। तो ये क्या होगा, इसका यूनिट सिंपली वोल्ट पर एम्पियर हो गया। इसको सिंपली क्या कहते हैं, इतना यूज ना करके एक ग्रीक लेटर ओम से भी इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, मतलब हम लोगों ने समझ लिया कि ओम्स लॉ का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म आया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर होता है, मैटर का प्रॉपर्टी होता है, कंडक्टर्स मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है। वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। क्या करता है, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं ग्राफ। ग्राफ किसका, ग्राफ ग्राफ ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस वी वर्सेस आई, ठीक है, वी और आई का क्या ग्राफ होता है। तो सपोज एक ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, पोटेंशियल डिफरेंस और इधर फ्लो ऑफ करंट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। सपोज ये हो गया 5 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 10 15 20। अब सपोज कि 5 वोल्ट 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है, 1 एम्पियर करंट, 10 हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, 3 पर 15 एम्पियर। इसी तरीके से इधर अगर सपोज 10 आ गया तो इधर कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट पर जाकर ग्राफ ज्वाइन होगा। अब इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे तो देयर विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या होगा, वी वर्सेस आई का ग्राफ होता है वो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, किसके लिए, ओम्स लॉ में, ठीक है। ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आई इज अ स्ट्रेट लाइन, फॉर एन ओमिक कंडक्टर। अब एक और नया टर्म आ गया कि ओमिक कंडक्टर कहते किसको हैं, तो ओमिक कंडक्टर उसी को कहते हैं जो कि क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। अब सारा को सब कुछ ओमिक कंडक्टर नहीं होता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड एट्सेट्रा। जैसे हम लोग सिलिकन की बात करें तो सिलिकन क्या है, ओमिक कंडक्टर नहीं है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्राफ, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, स्लोप की बात करते हैं। स्लोप, ये जो स्लोप है आखिर वो कितना होता है, ठीक है। फिर से सपोज उसी ग्राफ की बात करते हैं, एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस, ओमिक कंडक्टर ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। अब हॉरिजॉन्टल से यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर लिए तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। किसके थ्रू, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस के थ्रू वो कितना एंगल बन रहा है उसको कहते हैं क्या, स्लोप। अब मान लेते हैं कि ये पोजीशन हो गया यहाँ पर एक्स वन, और यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ तक का, तो ये हो गया एक्स टू। इधर से इधर की बात करेंगे तो ये वी वन एंड दिस पॉइंट इज वी टू, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा है क्या, स्लोप दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू, थीटा क्या है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर रिलेशन किसके थ्रू, ये बेस और ये परपेंडिकुलर में निकालेंगे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, टेन थीटा। टेन थीटा क्यों, क्योंकि ये मालूम है लेंथ ऑफ, ये तो मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग को पता होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना, ये वैल्यू, दैट मीन्स क्या हुआ, पूरा ये तो हो गया क्या, यहाँ से यहाँ तक V2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, V2 माइनस V1, तो ये हो गया V2 माइनस V1 अपॉन बेस, X2 माइनस X1, X2 माइनस X1, ये क्या है, फ्लो ऑफ इधर करंट है। तो करंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, सपोज दैट दिस इज I2 एंड दिस इज I1, तो ये क्या हो गया, I2 माइनस I1। अब देखेंगे तो क्या, ये क्या है, V2 माइनस V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस V एंड दिस इज करेंट I। अब देखिए V बाय I, अभी हम लोगों ने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR,
एंड आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, और यही तो है आर, ठीक है। सो दिस इज आर, हम लोग कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट स्लोप इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। वी वर्सेस आई में स्लोप क्या है कि एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। अब सारे कंडक्टर्स का, सारे मैटर्स का, सारे मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप इसको समझ चुके हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 ओम को। सपोज हम लोगों ने पढ़ा क्या कि वी होता है इज इक्वल्स टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, एंड आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था कि इसको 1 एम्पियर को, 1 वोल्ट को, उसी तरीके से हम लोग 1 ओम को भी डिफाइन करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वी एंड आई अगर सेम हुआ तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1, ठीक है। मतलब हुआ क्या, व्हेन वी इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड आर इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, सॉरी आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, देन आर इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, दिस इज कॉल्ड 1 ओम, ठीक है। तो क्या डिफाइन, कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 1 ओम कैन बी डिफाइंड एज इफ 1 एम्पियर ऑफ करेंट फ्लो, करेंट इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर अंडर द पीडी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस इज सेट टू बी ऑफ 1 ओम, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, हर मटेरियल का अलग अलग होता है। थोड़ा सा और एक चीज को समझ लें कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोज इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ये एल लेंथ का एक कंडक्टर है, ठीक है, लंबा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि आर कुछ कुछ किस चीज पर डिपेंड्स करता है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से। मतलब क्या हुआ कि जितना लंबा कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। लॉन्गर विल बी द कंडक्टर, हायर विल बी द रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना ज़्यादा लंबा होगा कंडक्टर उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। क्यों, सोचिए, रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकने का कोशिश करता है। अब एक छोटा कंडक्टर की बात करें हम लोग, तो यहां पर ये क्या छोटा है और ये बड़ा है, मतलब फ्लो ऑफ करंट को रोकने ज्यादा रुकेगा कहां पे, इस वाले में ना कि इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और दूसरा चीज किस पर डिपेंड करता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में नहीं आया, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, अंदर का सारा का एरिया, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब सोचिए, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये हुआ, अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया,
ठीक है, क्रॉस मतलब अंदर झांक कर देखिए कितना ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। ठीक है, अब ये हो गया, अब बताइए कि किसमें ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेगा, किसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जिसमें क्या होगा स्पेस ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, उतना कम रेजिस्टेंस होगा, इसलिए R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। A का वैल्यू जितना ज़्यादा, R का वैल्यू उतना ही कम आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या कि रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर से। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, अब तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। अब फिर से ध्यान देंगे कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आकर ऐड होता है। ठीक है, दिस मींस दैट आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए वेयर रो इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एक नया टर्म आ गया कि रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये भी क्या है, रेजिस्टेंस ही है। अब हर मटेरियल का क्या होता है, रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है सारा कुछ, लेकिन एक कंडक्टर की बात करेंगे तो एक कंडक्टर चाहे वो किसी भी शेप का हो सबका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। तो यहां से हम लोगों को मिला क्या, दिस इंप्लाइज दैट रो इक्वल्स टू R into A by L। ठीक है, अब सपोज थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए ये क्या है, रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, वेन ए इक्वल्स टू 1 meter square एंड एल, या फिर 1 meter ही कर लेते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट रो इक्वल्स टू क्या होगा, आर इंटू 1 upon 1। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 meter square हो और लेंथ 1 meter का हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसके लिए रेजिस्टिविटी वो इक्वल होगा किससे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 meter square एंड द लेंथ इज लेंथ इज 1 meter। ठीक है, अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे किसका, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट मींस
रो, इसको क्या करते हैं हम लोग, रो से स्टडी करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, कैंसिल, दैट मीन्स यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जिस कंडक्टर का जितना कम होगा वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इस इन सब का रेजिस्टेंस क्या होता है, सॉरी रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए इनको कंडक्टर ये अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो फिर सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं, सबसे अच्छा कंडक्टर है, क्यों नहीं यूज करते हैं? बिकॉज सिल्वर इज टू कॉस्टली, ये बहुत ही महंगा है। तो कितना अच्छा होता है क्या, घर घर में सिल्वर का तार, ठीक है, ऊपर हम लोग देखते हैं चमकता हुआ सिल्वर, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन चूंकि ये बहुत ही कॉस्टली है, इसलिए सिल्वर को यूज ना करके हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज कर लेते हैं, एल्यूमिनियम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, ओम्स लॉ के बारे में, हाँ, डिस्क्राइब किया, ओम्स लॉ को हमने अच्छे से समझ लिया, और रेजिस्टिविटी क्या होता है ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। जो भी आपको बताया जा रहा है उसका बतौर आप एक नोट्स तैयार कर ले, अच्छा रहेगा सब। हालांकि साइंस क्या है, रटने की चीज़ नहीं, साइंस क्या है, समझने की चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग फिर से आते हैं उसी पर अपने टास्क पर, कि आखिर आज का टास्क क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ओमिक, नहीं आसान हो जाएगा, नन ओमिक कंडक्टर, आपको बताना है एक एग्जाम्पल जो कि नन ओमिक कंडक्टर हो, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।